हेलो एवरीवन माय नेम इज रिद्धि इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन डायस्पोरा इंड लैटिन अमेरिका तो ये न्यूज़ में क्यों था क्योंकि सेवनटीन प्रवासी भारतीय दिवस था तो ये कन्वेंशन में इंडियन डायस्पोरा का लैटिन अमेरिका के साथ जो कनेक्शन है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि ये जो रीजन है लैटिन अमेरिका के दो इंडियन औरिजन प्रेजिडेंट्स रहे उनको स्पेशल गेस्ट की तरह यहाँ पर आ, उन्होंने अटेंड किया था तो यहाँ पर की हाईलाइट्स क्या थे सेवनटीन्थ पीबीडी कन्वेंशन के तो सबसे पहले तो इंडिया ने ही होस्ट किया था ये सेवनटीन्थ पीबीडी कन्वेंशन इंदौर मध्य प्रदेश में उसके बाद थीम इसका है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल देन प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स प्रेजेंट किए गए थे जिसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था जो ग्लोबल इंडियन डायस्पोरा है कि वो गवर्नमेंट और uh, के साथ एंगेज करे और अपने टाइज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे दिस आर वेबसाइट्स इन ऑफ्सिज आई एस डॉट कॉम यहाँ पर आप कोर्सेज में जाओगे तो स्पेशल कोर्सेज में आपको प्री प्लस मेन्स के कोर्सेज पर आपको मेन्स इन थ्री हंड्रेड टॉपिक्स मिल जाएगा यहाँ पर बेसिकली हम जितने भी मेन्स के लिए एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जिसमें से हर साल यू पी एस सी क्वेश्चन पूछता है तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी मेन्स के डिस्कस करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स रहता है तो ये पर्टिकुलर लेक्चर इसी कोर्स का पार्ट है तो पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है इंडियन डायस्पोरा का लैटिन अमेरिका में क्या बैकग्राउंड रहा है तो सबसे पहले तो इंडेंजर लेबर माइग्रेशन है तो क्या हुआ था बेसिकली इंडियंस को लेबरर्स की तरह लाया जाता था कॉलोनियल टाइम के एरा में तो यहाँ पर क्या था त्रिनी डाड गा सूर्नेम यहाँ पर इंडेंजर्ड लेबर्स की तरह इंडियंस ने वर्क किया है शुगर क्लिन प्लानेशंस में फिर ट्रेड लिंक्स हैं जिसमें इंडियन मर्चेंट्स ने हिस्टोरिकली लैटिन अमेरिका के साथ ट्रेड किया है जिसकी वजह से हमारे कल्चरल एक्सचेंजेस भी रहे हैं उसके बाद आता है एजुकेशनल परस्यूड्स तो इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशन जाके लेते ही है लैटिन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में तो वो चीज़ एक बहुत ही फैक्चुअल चीज़ रही है फिर कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन डायस्पोरा का लैटिन अमेरिका में सबसे पहले है डेमोग्राफी तो यहाँ पर हमारी इंडियन सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है इंडिया के लोग काफ़ी रहते हैं ट्रेने दार सरे नेम गोवाना में फिर पॉलिटी के टाइम पे देखें तो इंडियन औरिजन इंडिविजुअल्स ने इंपॉटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होल्ड की है ट्रिने दार गोाना जैसी कंट्रीज़ में कल्चर के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो इस एस्पेक्ट में हमारा सोशल फैब्रिक और ज़्यादा एनरिच है जैसे कि म्यूज़िक uh, है रिलीजन है डांस आर्ट फेस्टिवल तो वो चीज़ में हम एक्सचेंज करते हैं लैटिन अमेरिका के साथ फिर उसके बाद आता है इकोनमी तो इसमें हमारा एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फोर्स है जो कि सेक्टर्स uh, में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है फिर सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन डायस्पोरा का इंडिया के लिए ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका बाइलेटरल रिलेशन इससे स्ट्रेंदन होते हैं मतलब कि यहाँ पर हमारा कल्चरल इकोनॉमिक टाइज़ ये लैटिन अमेरिकन नेशंस के साथ इन्हांस होता है फिर उसके बाद बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव में अगर हम बात करें तो इंडियन प्रोफेशनल्स ने ट्रेड बूस्ट किया था इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है ये फिर सॉफ्ट पावर तो यहाँ पर इंडियन कल्चर ये शोकेस करता है कि सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन को इन्हांस करने की बात करता है ठीक है कि इंडियन कल्चर आपका सॉफ्ट पावर एक तरीके से इन्स कर देता है फिर कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि सबसे पहला है गुआना जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स इकनॉमी में एंड देन सरीनेम है जिसमें जो इंडियन uh, कम्यूनिटी है यहाँ पर uh, उनके हमारे कल्चरल हेरीटेज को प्रिजर्व करके रखना देन रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना तो इंडियन कम्युनिटी जितनी भी है सरी नेम में उसने अपना कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व करके रखा हुआ है तो बेसिकली यहाँ पर यही सेम चीज़ के बारे में बात हुई है बाकी अगर आप गुयाना में और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ये लिखोगे कि जैसे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा ने काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन होल्ड uh, किया हुआ है गोयना की पॉपुलेशन का इनफैक्ट बहुत सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रह, रहता ही है इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं इंडियन डिसेंट के जो कि वहाँ की गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं और अगर हम इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात करते हैं तो इंडियन औरजन ऑन्टरप्रीनियोर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं जो कि कंट्री की इकोनमी में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे एग्रीकल्चर ट्रेड हो गया कोई छोटे मोटे बिजनेस चलाना तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन ओरिजिन ऑन्टरप्रीनोर्स इस तरीके से उनकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फिर अगर हम कल्चरल प्रजर्वेशन की बात करते हैं तो इंडियन कम्युनिटी है गोयना में जो कि कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है ट्रेडिशंस मेनटेन करती है साथ ही साथ कंट्री का जो डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप है उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है फिर सरनेम है तो सरनेम में क्या है कि कल्चरल हेरिटेज की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्व करके रखा हुआ है तो इंडियन डायस्पोरा ने अपना रिलीजियस फेस्टिवल्स हो गए या जितने भी रिलीजियस प्रैक्टिसज है या ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं जैसे कि दिवाली हो गया वो बहुत धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है बिजनेस और ट्रेड बहुत अच्छे से किया जाता है इंडियन ऑन्टरप्रीन्योर्स ने वहाँ पर बिजनेस इस्टेबलिश किए हैं इकनॉमिक ग्रोथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया गेंद तो सोशल इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छा खासा किया है यहाँ पर तो उस सोसाइटी में एक, एक इंडियन डायस्पोरा ने उसको इंटीग्रेट करने में काम किया है फिर त्रिनी एंड टोबैको का भी अगर आपको एग्जाम्पल देना है त्रिनी एंड टोबैगो यहाँ का अगर आप एग्ज़ाम्पल देना चाहते तो इंडियन डायस्पोरा ने यहाँ पर त्रिंडाल एंड टोबैको में भी काफ़ी अपना प्रेजेंस होल्ड किया है जहाँ पर पॉलिटिकल पोजीशन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशन इंडियन ओरिजिन के लोग होल्ड करते हैं जैसे उनकी कंट्री के एक इंडियन डिसेंट के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं फिर कल्चरल की बात करें तो अगेन ये सारी चीज़ें बहुत धूमधाम से मनाई जाती है फेस्टिवल दिवाली है ईद है बहुत अच्छे से मनाई जाती है फिर एजुकेशन हेल्थ केयर सोशल वेलफेयर इन सब में भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है पेरू का एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पर ठीक है एंड देन आप अर्जेंटीना का भी एग्जाम्पल पल यहाँ पर दे सकते हो कि अर्जेंटीना में भी यहाँ पर डिप्लोमेटिक एंड कल्चरल रिलेशंस इन्हांस किया है इंडियन ऑन्ट्रप्रीनियर्स वहाँ पर भी हैं टेक्सटाइल फ़ूड टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट करते हैं देन योगा वर्कशॉप्स वगैरह लगाई जाती है ट्रेडिशनल डांस परफॉमेंसेज होते हैं तो इस तरीके से कल्चर प्रमोशन होता है ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो फिर चैलेंजेस क्या है कि हम इफेक्टिव uh, एंगेजमेंट करते हैं डायस्पोरा के साथ उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ जाते हैं किस वजह से नहीं हो पाता तो सबसे पहले तो कोई क्लियर पॉलिसी ही नहीं है तो डायस्पोरा एंगेजमेंट पॉलिसी है ही नहीं यहाँ पर तो ये एक कंट्री के डेवलपमेंट में एक प्रॉब्लम uh, क्रिएट कर देती है फिर लिमिटेड एंगेजमेंट मतलब कि जितने भी इनिशियटिव ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनका भी इतना कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं फिर इनकम्प्लीट डेटा बेस की प्रॉब्लम है मिनिस्ट्री के पास कोई अपडेटेड डायस्पोरा का डेटा है ही नहीं कि कितने लोग हैं कौन लोग हैं क्या कर रहे हैं तो इनकम्प्लीट है डेटा बेस हमारा वो प्रॉब्लम है फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब कि इतने सारे पोर्टल्स हैं जिसकी वजह से रेजोल्यूशन हो ही नहीं पाता इतना डिले हो के आता है रेजोल्यूशन फिर डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ मतलब कि ये लोग क्या करते हैं कि डोमेस्टिक ईशूज़ पर फोकस जो होना चाहिए तो वहाँ से क्या है कि एंगेजमेंट थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपका एंगेजमेंट से डाइवर्ट हो रहा है इतने ज़्यादा हम लोग डोमेस्टिक इशू पर फोकस कर देते हैं तो अपनी ही प्रॉब्लम हमारी खत्म नहीं हो रही तो दूसरे के साथ हम क्या ही करेंगे वो वाला बात है यहाँ पर डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ का मतलब वो होता है फिर रिसोर्स कंस्ट्रेंस अब ये तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है कि मतलब इतने लिमिटेड रिसोर्सेज है जैसे कि हम डायस्पोरा आउटरीच हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है ठीक है तो वो चीज़ है कि हमारा खुद का नहीं हो पाता तो हम उसका क्या करेंगे वो वाला पर्सपेक्टिव है वे फॉरवर्ड में हम लिखेंगे सबसे पहले तो पॉलिसी फॉमुलेशन हमें ज़रूरत है जो यहाँ पर हमने बात की ना कि कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है वही चीज़ को हम यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे वे फॉरवर्ड में कि सबसे पहले तो हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है कि क्लियर हमारे पास एक डायस्पोरा एंगेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए डेटा अच्छे से होना चाहिए अपडेटेड डेटा होना चाहिए हमारे पास कि आप वेलफेयर स्कीम्स के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह इंक्रेज करो फिर फॉस्टर इंगेजमेंट मतलब कि आप इमीग्रेशन इम्प्रूव करो कस्टम्स प्रोसीजर्स वगैरह ये सब इम्प्रूव करो ना ताकि इंगेजमेंट और इंक्रेज किया जाए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना आप कम्युनिटी इवेंट्स होल्ड कर सकते हो है ना मेंटोरशिप प्रोग्राम्स कर सकते हो फिर इंटर्नशिप्स हो गया वॉल्टियर एक्टिविटीज़ हो गया है ना तो वॉलेंटियरिंग वगैरह ये सब चीज़ों से आपका एक पार्टिसिपेशन और बढ़ता है तो एंगेजमेंट और बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिया एंड यू एन पीस कीपिंग बढ़ेंगे तो अभी के लिए इतना ही था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर